नहीं बोला तुम्हारे सामने, इतनी बकैती कर दी इसने, कुछ नहीं बोला। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना अपन दोनों को अलग अलग ही जाना पड़ेगा। यहाँ से आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो भाई, तुंगनाथ महादेव मंदिर के। आप चेक करो, यहाँ पे फोटो लेना मना है, और यहाँ पर पुजारी जो बैठे हैं वो भी मना कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं। मैगी, साथ में इधर का व्यू चेक करो यार, अमेजिंग व्यू। इस व्यू के साथ खाएंगे अपनी प्यारी प्यारी मैगी। अपने पास तो लोटे में पानी मिल गया, लेकिन वहाँ पर यार पानी आना बंद हो गया है। मे बी कि शायद अंदर से बंद कर देते हो या क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन पानी मिलना बंद हो गया है। बाकी भाई रूम का हाल देखो, रूम का हाल कुछ ऐसा कर दिया। रूम टूर तो दे नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट आती है जाती है, रूम और खा भी कूड़ा कबाड़ा। तो यहीं पे अपना सामान रख के अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। गाइस यात्रा के दौरान अगर आपके भी जूते भीग जाते हैं, आपकी भी सॉक्स भीग जाती है, कुछ भी भीग जाता है, तो यहाँ पर भाई पूरा इंतजाम मिल जाता है। उधर से मैंने अभी ली 50 रुपये की सॉक्स, इधर से शूज रेंट पे मिल जाते हैं। चेक करो भाई, कुछ ऐसे करके शूज़ हैं, ये रेंट पे मिल जाते हैं। 100 रुपीज़ रहता है, आपको अपने शूज़ यहाँ पे छोड़ने पड़ते हैं और 100 रुपीज़ जमा करना पड़ता है। तो ये भी हमने भी शूज़ ले लिए। सर भाई अपना ये जो टॉमी बॉय है ना, टॉमी बॉय भाई सोशल सर्विस करते हैं भाई। अभी एक लड़की आई, बोला कि भाई मेरी फोटो खींच दो, यहाँ देखो ग्रुप फोटो खींच रहा है मेरा भाई। तो गाइस शुरू करते हैं अपना तुंगनाथ का ट्रैक, और ट्रैक शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम चेक करो भाई, 7:55 हो रहे हैं, लगभग 8 बजे हम ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, और देखते हैं कि भाई मंदिर में कितने बजे तक अपन लोग पहुँच पाते हैं। चलते हैं एंट्रेंस द्वार पे। हर हर महादेव, जय श्री शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो यार फाइनली शुरू करते हैं, ठीक 8 बजे अपनी यात्रा। और भीड़ भाई आप चेक कर सकते हो, ट्रैक शुरू होते भाई अभी सुबह 8 बजे का टाइम है, कितने सारे लोग अपन लोगों के साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो यात्रा में मतलब मजा आने वाला है, और सारी की सारी शॉप भी खुल चुकी हैं। बाकी एक चीज़ अपन लोगों ने बहुत अच्छी की है कि अपन लोगों ने एक बैग कैरी किया है, तीनों भाई धीरे धीरे करके उसको उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब यात्रा शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा जोश होता है भाई, अपन लोग शॉर्टकट पे शॉर्टकट। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। हाँ हालांकि यात्रा शुरू करने के थोड़ी देर बाद अपन लोग शांत हो जाएंगे शायद, मे भी। बाकी अपने साथ है मेटा राइडर, बवाल मचा देंगे। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ बर्ड्स है यार जो यहाँ पर चौपटा ट्रैक पर देखने को मिलती है, कुछ ऐसे करके बर्ड्स है यार, नाम बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और फाइनली यार अपनी बारिश अगेन शुरू हो गई है, जिसने हमें सबसे ज़्यादा परेशान किया इस ट्रैक पे भी, पूरी रात भर भी। कल रात 10 बजे अपन लोग पहुँचे थे, रूम लेना बहुत मुसीबत भरा हो गया था, रूम मिला भी तो सिर्फ एक, और वो भी डबल बेड, अपन लोग 3, धीरे धीरे करके एडजस्ट किया। बाकी रेन होना शुरू हो गया तो फिर से जादू बनते हैं। कोई भी ट्रैक अगर आप करते हो, अगर आप उसमें जल्दी मचाओगे तो थकान बहुत जल्दी चढ़ जाएगी। आराम आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है, 3 ही किलोमीटर का ट्रैक है, 3 या 4 किलोमीटर का, जो आपको 3 घंटे में करना है, टाइम बहुत है, जल्दबाजी कोई नहीं है, शो ऑफ करके कहाँ जाना है। अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो पूरा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं इस पैच पे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि केदारनाथ की तरह घोड़ों से मचाई हुई गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा ट्रैक है। इसने भाई जब से घर से निकला हूँ ना, मेरा जीना आराम कर रखा है, जब भी देखता है मेरा वीडियो ख़राब करने के लिए आ जाता है भाई। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी देखो कुछ नहीं बोला तुम्हारे सामने, इतनी बकैती कर दी इसने, कुछ नहीं बोला भाई। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना अपन दोनों को अलग अलग ही जाना पड़ेगा। पूरी हिस्ट्री तो खैर मैं भी नहीं बता पाऊंगा, जैसा मैंने वीडियोज़ में देखा है, जैसा मैंने वीडियोज़ में सुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले जो है रावण ने तपस्या की थी भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए। सेकंड जो तपस्या, जब राम जी ने वध किया था रावण का, तो उनको एक श्राप लग गया था, क्योंकि रावण भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, तो उसको भी राम जी को भी यहाँ पर जो है श्राप लग गया था, तो उन्होंने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। लेकिन थर्ड टाइम जो है चंद्रमा जी ने, जब हर जगह जा करके पूरा प्रयास कर लिया उस पाप से मुक्ति पाने का, उसको कहीं से भी जो है पाप की मुक्ति नहीं हुई, तब उनको भी किसी ने बताया था, किसने बताया था खैर पूरा मेरे को नहीं पता, बट उन्होंने भी, चंद्रमा जी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, तब से यहाँ का नाम पड़ा है चंद्रशिला। अगर मौसम अच्छा रहा तो जाएंगे ऊपर, दर्शन करेंगे चंद्रशिला के, अगर परमिशन मिल जाती है तो। तो गाइस आपके साथ छोटा बच्चा है या आपके साथ लेडीज है, तो आप भी इस तरह से करके खच्चर कर सकते हो भैया। खच्चर का प्राइस कितना रहता है भैया? 1300 अप डाउन। तो एक ये भी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से खच्चर भी कर सकते हो, ओनली 1300 रुपये। बेस में चंद्रशिला भी होता है? ओके ओके, ओनली तुंगनाथ टेम्पल तक का है, चंद्रशिला इंक्लूड नहीं है। एक चीज़ आपको जरूर रिकमेंड करूँगा,
यहाँ से आप शूज जरूर लेना, ये वाले। अगर आप चप्पल पहनकर ट्रैक कर रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड होगा, ठंड थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप अपने शूज लोगे वो भी हाई वेट वाले हैं, ज़्यादा वजन है, तो वो भी छोड़ देना। ये ओनली 100 रुपीज़ के हैं, बहुत लाइट वेटेड है और कम्फर्टेबल है। साथ में व्यू चेक करो यार, एक बुग्याल पड़ा है छोटा सा, यहाँ पर गायें वगैरह चल रही हैं, उधर कुछ लड़के अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, रील वगैरह बना रहे हैं। बहुत ही प्यारा बुग्याल, चेक करो गाइज, बहुत ही प्यारा। अभी अपने भाई तो थोड़ा सा पीछे है और मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, तो थोड़ा वेट करते हैं उनके भी आने का और फिर वापस ट्रैक शुरू करेंगे। ये मैम लोग भी आए हुए हैं, शायद बंगाल से आए हुए हैं, और एज भी काफ़ी अच्छी खासी है, शायद 60 के आसपास है, और धीरे धीरे करके ट्रैक शुरू कर रहे हैं अपना, वही पैदल पैदल। इनको देख करके एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है यार। जब से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था तब से तो दोनों साइड पेड़ थे, लेकिन अभी चेक करो पीछे पूरा ब्लू कलर का पहाड़ है भाई, चेक कराना, बादल भी नीचे है, ब्लू कलर का पहाड़ और इतना प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा। बम बम भोलेनाथ, जय श्री शंभू। चेक करो यार पीछे का नज़ारा, बहुत ही प्यारा, जो कि हमें शहरों में जो लाइफ है ना उसमें देखने को नहीं मिलता। ये नज़ारा मसूरी से दिख जाता है आपको, तो तुंगनाथ क्यों आए आप? मैंने बोला आप ये वर्ल्ड हाईएस्ट महादेव शिव मंदिर है ना, यहाँ पर मुझे कोई मन्नत मांगनी है तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो मैं फिर आऊंगा यहाँ पर। अरे वाह यार, ये बात आपके दिल छू गई, मन्नत मांगने के लिए इतनी दूर आना पड़ा आपको? नहीं, इसकी मेरी बकैती यार पूरे वीडियो में चलती रहेगी, आप देखते रहोगे। वो भाई शांत है, उसको कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से, लेकिन हमारी बकैती जारी रहेगी भाई। बड़ी सपोर्ट अच्छा मिल गया है भैया। लोग भी नोएडा से आए हैं, कल की स्टोरी बता रहे हैं, कल रात की स्टोरी, और अपनी भी स्टोरी कुछ ऐसी थी। कल रात आपको पता ही है, रात को 10 बजे अपन लोग राइड करके पहुंचे थे, लेकिन जो भी है मौसम व्यू है। हाँ। लेकिन भाई देखो, जानकर इसको मतलब हमने जानकर इसको लिया कल रात, और एक जानवर भी देखने को मिला था कल रात, उसके बारे में वीडियो में नहीं बता पाए थे, लेकिन हाँ बहुत डेंजर थी कल की रात, बहुत डेंजर। जिन लोगों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, बड़े बड़े ट्रैक किए हैं, देहरादून में भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक हैं, उनको घोड़े खच्चर की जरूरत नहीं पड़ने वाली यार। बाकी अपनी यात्रा चल रही है खच्चरों की बैल के साथ, प्यारे प्यारे व्यू के साथ। ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ होंगे, खैर कमेंट कर देना अगर आप लोगों को पता है, लेकिन लग बहुत प्यारे रहे हैं यार। तो गाइस, तुंगनाथ के रास्ते पर पड़ती है एक ही शॉप, देखी है मैंने अभी तक तो इस रास्ते पर, और यहाँ से बन गई अपनी प्यारी प्यारी पहाड़ों वाली मैगी। साथ में इधर का व्यू चेक करो यार, अमेजिंग व्यू। इस व्यू के साथ खाएंगे अपनी प्यारी प्यारी मैगी नीचे बैठ करके यार। अभी तक तो अपन लोग बैठे हुए थे चेयर पर, मज़ा नहीं आ रहा था, पहाड़ों में आए तो पत्थरों पर बैठेंगे, पहाड़ों पर तब आएगा मज़ा फील। इधर बैठे अपने भाई बंधु, ये मज़े लेते हुए अपने पहाड़ों के। अच्छा भाई, खतरनाक है अपना, इसका चौपा ही नहीं खत्म होने पे आ रहा है भाई। बट ऐसा बंदा भी चाहिए होता है यार एक ट्रैकिंग पे, जो मतलब थोड़ा सा फन करता रहे, थोड़ा सा कॉमेडी करता रहे, चढ़ाई का पता ही नहीं लगता है। इधर का जो टोटल खर्चा बैठा है भाई अभी तक का 320 रुपये बैठा है, जिसमें कि अपनी चाय तो नहीं थी, हाँ मैगी थी, मैगी यहाँ पे 70 रुपये की थी, बाकी पानी की बॉटल यहाँ पे 50 रुपये की है, और क्या एक इलेक्ट्रोल का पैकेट लिया है भाई ने जो कि 50 रुपीज़ का है। इलेक्ट्रोल बहुत ज़रूरी है एनर्जी रिस्टोर करने के लिए, एंड अपना और अपना ट्रैक फिर से शुरू करते हैं। भैया जैकेट दे देना वो थैंक यू। रास्ते में चलते चलते कुछ ऐसे बड़े बड़े शॉर्टकट भी हैं जिनको आप ले सकते हो, अगर पैर में हिम्मत है तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। और मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ यार, बैंड बजी पड़ी है, कोई बात नहीं हो जाएगा, बैंड इतनी भी नहीं बजी यार, आसानी ट्रैक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो ऐसे बनाने पड़ते हैं शॉर्टकट, और मेरे को जाना है वहाँ पे पेड़ के पास। शॉर्टकट तो आप ले लोगे पर हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, चलता है यार। मैं तो यहाँ पर बैठ करके अभी ये सोच रहा हूँ चंद्रमा ने अपने पाप कैसे धोए होंगे, मतलब ऊपर से डायरेक्ट आए थे चंद्रशिला पे या ट्रैक करके गए थे, रावण कैसे गया होगा अपने रथ से टुकड़ुक 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 हवा हवा में, और रामचंद्र जी कैसे गए होंगे, अगर कलयुग के रामचंद्र होते वो तो आधे रास्ते से वापस चले जाते। गाजी एक बार पीछे की खाई चेक करो कितनी स्टीप खाई है, यहाँ पर कुछ देर के लिए अपन लोगों ने आराम किया, कुछ देर के लिए यहाँ पे रुके हुए थे,
और इधर से भी चेक करो क्या ही प्यारा व्यू है, वहाँ पर बैठ करके भी लोग अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। इधर अपने दोनों भाइयों ने ट्रैकिंग शुरू कर दी है वापस, कुछ देर यहाँ पर रेस्ट किया, आराम किया, और अब वापस मैं भी ट्रैकिंग शुरू करता हूँ यार। एंड मंदिर की दूरी यहाँ से रह गई है लगभग 1 किलोमीटर, लगभग आधा घंटा या 1 घंटे का रास्ता रह गया होगा। तो जल्दी से ट्रैकिंग कम्प्लीट करते हैं और पहुँचते हैं तुंगनाथ महादेव मंदिर, जो कि अपना ड्रीम प्लेस था, आप लोगों को पता ही है अपना सपना था यहाँ पर पहुँचने का, एंड वो कम्प्लीट हो रहा है अपना सपना। ये देखो मस्ती करते हुए अपने दोनों भाई, मज़े करते हुए, अच्छा लगता है यार जब ऐसे भाई अपने साथ हों, ट्रैकिंग में हों, ट्रैवल में हों, ऐसे भाई अपने साथ, फुल मस्ती चल रही है, फुल मज़े चल रहे हैं। यहाँ पर अपने पास अपने कपड़े एंड फ्लावर्स जो है हमें मंदिर में चढ़ाने हैं, और उसके बाद अपनी यात्रा को कम्प्लीट करेंगे। बोला जा रहा है 28 लापता है, कल भी 9 डेड बॉडी निकली है, रोज 5-6 बॉडीज निकल रही है भाई साहब। और हम सोने गए थे, हम चढ़ गए थे, एक चट्टान गिरी, दो चट्टान गिरी, फिर लगातार चट्टान गिरी ना, 50-60 लोग चढ़ चुके थे, सारे के सारे भगे नीचे। मतलब केदारनाथ जाना भी रिस्क में है, बहुत ज्यादा रिस्क है, जान का दोनों दोनों रिस्क में है जा। बाकी यहाँ से आपको व्यू भाई दिखने लग जाता है तुंगनाथ महादेव का, चेक करो मंदिर के आसपास हम पहुंच चुके हैं जस्ट। तो चलो यार अपना ट्रैक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपन लोग भी लेट हो गए, क्योंकि अपन लोगों ने मस्ती थोड़ी ज्यादा की है यार ट्रैक पे। चलो यार कंप्लीट करते हैं। यहाँ से प्रसाद ले लिया, ये कुछ यहाँ के लोकल फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर हम नीचे से लेकर के आए थे, और इधर हो गया प्रसाद। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रसाद चढ़ाते हैं। बाकी यहाँ पर प्रसाद की जो है 50 रुपये शुरू हो जाता है, 50 से लेकर 250 तक का प्रसाद है, उसमें नारियल वगैरह मिल जाता है, बाकी चाय कॉफ़ी की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। और अभी भैया ने बताया कि मंदिर में रुकने की व्यवस्था भी है। हाँ भाई मंदिर में रुकने की व्यवस्था भी है, जब आप रात को आते हो यहाँ पे या रात को ट्रैक करते हो तो लेट हो जाते हो, तो यहाँ पे मंदिर में भी आप रुक सकते हो, उसका थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं मंदिर के पुजारी। तो शूज़ अपन लोगों ने उतार दिए हैं, एंड चेक करो भाई लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लाइन तो लगी हुई है लेकिन सुकून भी बहुत ज़्यादा है यार। ओके पालकी भी मिलती है, पालकी भी अवेलेबल है, और यहाँ से लोटा ले लेते हैं पानी चढ़ाने के लिए। लोटा चोरी कर लिया तुम्हारे भाई ने, अब लोटा चोरी करके इसमें पानी चोरी करते हैं। माफ करना बच्चा ये मेरा थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यार पानी में भी। हाँ जी पानी चेक बंद हो गया ना, बेटा इधर आ जा मैं दे देता हूँ, इसमें से दे देता हूँ थोड़ा सा, मुझे दे दो ना भैया अम्मा को चढ़ाना है थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ही दे पाऊंगा दीदी। हाँ क्यों बंद हो गया इधर, मे बी की टाइम हो गया और इनको पानी चढ़ाने का, तो शायद अंदर से बंद किया हुआ या किस लिए आना बंद हो गया ये तो नहीं पता। नहीं नहीं रख के मत आओ, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ भाई, कैमरा पकड़ियो थोड़ा सा, नहीं थोड़ा है थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, जितना चढ़ा पाए उतना चढ़ा देते हैं, मंदिर के अंदर वीडियो बनाना है। लेकिन हम मंदिर के जस्ट पास पहुंच चुके हैं, वैसे पुजारी खड़े हैं वो मेरे को मना कर देंगे यार वीडियो बनाने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है रिस्क पे रिस्क लेकर के यार वीडियो तो बना ही रहा हूँ, लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। चेक करो अब यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस है, यहाँ से आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो भाई तुंगनाथ महादेव मंदिर के। आप चेक करो यहाँ पे फोटो लेना मना है, और यहाँ पर पुजारी जो बैठे हैं वो भी मना कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, बट मैं आपको दर्शन कराता हूँ, रुको। यहाँ से हम लोग फोटो वगैरह खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा भाई पांडवों को जो है श्राप मिला था भातृ मृत्यु का, जो उन्होंने अपने कौरवों की जो है वध किया था, एंड उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ ने कहा था आपको 5 मंदिर बनवाने पड़ेंगे, 5 केदार बनाने पड़ेंगे, उनमें से तृतीय केदार जो है ये है सामने तुंगनाथ महादेव मंदिर। हर हर महादेव, जय श्री शंभु, बहुत ही प्यारा तुंगनाथ महादेव के हमने दर्शन कर लिए भाई, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। अब भाई भैरवनाथ की बारी है, भैरवनाथ पे अपन लोग धूपबत्ती जलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। टाइम
टाइम की बात की जाए तो भाई 12:27 हो रहे हैं, चेक कर लो। और अपन लोगों ने ट्रैक शुरू किया था सुबह 8 बजे, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 बजे हम लोग आ गए, बहुत हंसी खुशी, बहुत मस्ती करते हुए, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए आ गए। और फाइनली दर्शन हो गए तुंगनाथ महादेव के, जो कि बहुत ही अच्छा लगा यार, दिल से बहुत अच्छा लगा। अंदर एक अलग ही सुकून है, एंड बाहर वगैरह फोटो वगैरह खींचना ज़्यादा मना है, ज़्यादा वीडियो मैंने खींचे नहीं, ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया नहीं, एक छोटा सा वीडियो मैंने बना लिया था क्योंकि पुजारी जी बाहर से बार बार चिल्ला रहे थे कि भैया वीडियो मत बनाओ, कि आप बनाओगे तो सभी बनाएंगे, उनकी बात भी सही थी, तो थम्स अप पुजारी जी को। और बाकी चंद्रशिला का ट्रैक अपन लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बादलों ने पूरा का पूरा घेर लिया है, ऊपर से व्यू आएगा नहीं, तो यहाँ के लोकल भी बोल रहे हैं कि भैया जब व्यू ही नहीं आएगा तो आप किस लिए जा रहे हो ऊपर, बेवजह आप बारिश में फंस जाओगे, ऊपर मौसम ख़राब हो रहा है धीरे धीरे करके, तो इससे अच्छा है कि यहीं पर अपना ट्रिप को एंड करके आप नीचे की तरफ निकल जाओ, वो बेटर है। फिर भी हमने अभी डिसीजन को पेंडिंग में रखा हुआ है, अगर अपने को फील होगा कि हमें जाना चाहिए तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और बाकी अभी पीछे के भी दर्शन करते हैं। जय हो महादेव, तुंगनाथ महादेव, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। देखो पंडित जी अब गुस्सा भी हो गए होता है यार कि फोटो मत लो, फोटो मत लो, लड़कियों को भी मना कर रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली वहाँ पे लिखा हुआ भी है, पर तुम्हारे भाई ने भी लिया है यार, क्या कह सकते हैं। यह है तुंगनाथ महादेव के पीछे का हिस्सा, तो यहाँ पर भी दर्शन करते हैं भाई। जय हो गौरी देव, देवो के महादेव, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माफ़ करना भाई, यहाँ के वीडियो बना सकते हैं, गलती चलती माफ़ करना। जय हो महादेव, जय श्री शंभु। एंड पीछे का व्यू देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल बहुत ज़्यादा नीचे हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, इधर से थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, तो बादल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, ये चेक करो, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने नीचे ही अपना जो वार्मर था, वो जैकेट जो थी मैं पहन करके चढ़ा था, वो नीचे ही छोड़ दिया है मैंने, और अब ठंड लग रही है। यहाँ पे नीचे चलते हैं, शॉप पे चलते हैं, कुछ खाते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मैगी और शायद चावल और दाल का सिस्टम यहाँ पर है, वो सब मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ पर अंत होता है भाई इस ट्रिप का, भोलेनाथ महादेव ने जो हमें यहाँ पे बुलाया भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ड्रीम था इस प्लेस को देखने का, तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने का। पंच केदारों में से तृतीय केदार है तुंगनाथ महादेव का टेंपल, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भाइयों के साथ आए, सभी कुछ अच्छा रहा। और इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करता हूँ, फाइनली अपना ड्रीम कंप्लीट हुआ। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। और आगे का प्लान बताता हूँ, यहाँ से अपना प्लान है, पहले इन घोड़ों को देख लो, कच्चरों को देख लो, वरना इनकी साउंड आती रहेगी बीच में। तो भाई यहाँ के बाद अपना प्लान है बद्रीनाथ जाने का, अगर जो बद्रीनाथ अपन लोग गए, या तो यहाँ से हम लोग वापस चले जाएंगे या बद्रीनाथ के लिए मुड़ जाएंगे। यहाँ से बद्रीनाथ की जो दूरी पड़ती है वो पड़ती है 150 या 160 किलोमीटर की। अगर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा शायद बद्रीनाथ का, अभी 90% तो हाँ है, 10% में कन्फ्यूज़न है कि कोई कैंसिल ना करे। वीडियो किसी भी मकसद से अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कर देना, लोगों को सजेस्ट कर देना, और बाकी एक प्यार सा कमेंट कर देना अगर वीडियो देखा है यहाँ तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।